भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच में रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे, टीम की कमान हार्दिक पंड्या संभालेंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हमेशा से ही कांटे की टक्कर देखने को मिलती है। दोनों टीमें इस साल भारत में होने वाले वर्ल्ड कप 2023 की तैयारियों को पुख्ता करना चाहेंगी। इस सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी वनडे वर्ल्ड कप के लिए चुनी जाने वाली भारतीय टीम में अपना दावा मजबूत कर सकते हैं। वहीं इस समय मैच की बात की जाए तो मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज ने भारतीय टीम को शानदार शुरुआत दी है। सिराज ने अपने पहले ही ओवर में फॉर्म में चल रहे कंगारू बल्लेबाज ट्रेविस हेड को बोल्ड कर दिया है। डेविड वॉर्नर की अनुपस्थिति में आज मिचेल मार्श के साथ ट्रेविस हेड को ओपनिंग की जिम्मेदारी मिली थी, लेकिन आज वो अपना शानदार फॉर्म नहीं दिखा पाए। उनकी जगह बैटिंग करने ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ काफी अच्छी फॉर्म में दिख रहे हैं और अभी तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 1 विकेट खोकर 85 रन हो गया है।